हम बात करते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, आइएगा आइएगा। सबसे पहले तो एक बार इतनी जोरदार तालियां प्लीज बजा दीजिएगा। आप मुझे अपना नाम बताएं। सुरभि बागड़ी। सुरभि बागड़ी। आपके पिताजी का नाम? ओम प्रकाश बागड़ी। आपकी माताजी का नाम? कमलेश बागड़ी। और आपके पिताजी का गुरु? बागड़ी। और माताजी का? अमरिया। आप क्या करती हैं? मैं एक प्राइवेट स्कूल में प्रिंसिपल के रूप में काम करती हूं। आपकी एजुकेशन? मैं एमए किया है मैंने। और आपकी उम्र? 26। आप मैं वर्तमान मैं हूँ पूर्वी, वेलकम बैक टू माई चैनल। जय श्री राम, कैसे हो आप सब? और आज मैं आपको लेके चलने वाली हूँ एक फंक्शन में। वो फंक्शन आपने भी कभी नहीं देखा होगा, हाँ उसके बारे में सुना ज़रूर होगा क्योंकि मैंने भी अभी तक उस बारे में सिर्फ सुना है। बट हाँ मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मुझे मतलब ऐसा लग रहा है कैसे होगा ये फंक्शन। मतलब ये जो फंक्शन है वो होने वाला है परिचय सम्मेलन। परिचय सम्मेलन मतलब जब लड़के लड़की हैं वो अपना बायोडाटा स्टेज पे जाकर बताएंगे कि हाँ मैं ये हूँ और मैंने ये किया हुआ है, और हाँ कि अपने क्या बोलते हैं शादी के प्रपोजल टाइप से कुछ है। तो चलिए चलते हैं। तो अभी ना यहाँ पर ना भूमि पूजन हो रहा है। पहले भूमि पूजन यहाँ पर बहुत ही अच्छा काम हो रहा है। यहाँ पर जो समाज के लिए जो गर्ल्स हॉस्टल बन रहा है, जो समाज के लोग खुद मिलकर बनवा रहे हैं, तो उसका जो है भूमि पूजन आज है, उसके बाद परिचय सम्मेलन है। यश की वृद्धि हो, वर्ष की वृद्धि हो, यही कामना करते हुए आप जो है पूजन करने जा रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा पहले जल डाल दें। फंक्शन ना बहुत बड़े ऑडिटोरियम में था और पूरा खचाखच भरा था, भीड़ भी हो गई थी, बाहर तो जगह भी नहीं मिली थी। और आज बहुत सारे लोगों से मिलने वाले हैं यार। के रूप में ना बहुत सारे मंत्री एमएलए और ये आए थे। तो जो कोटा के जो एमएलए हैं शांतिलाल जी धारीवाल, उनका जो वेलकम था खुद मेरे ससुर जी ने किया था, उसकी क्लिप में आगे इसी वीडियो में लगा दूंगी, आप जरूर से देखिएगा। संयोजक श्री दिनेश कटिक जी, संगठन महामंत्री श्री ओम प्रकाश बागड़ी जी, उपाध्यक्ष श्री ओम जी चंदेल, सदस्य श्री ब्रजेश की जी महिला अध्यक्ष, और श्री सुभाष बागड़ी जी से निवेदन कि वो माननीय कैबिनेट मंत्री नगरीय विकास एवं आवासन स्वास्थ्य शासन विभाग राजस्थान सरकार आदरणीय श्री शांति कुमार धारीवाल जी का पुष्प गोच बैठ कर परिचय सम्मेलन और बालिका छात्रावास भवन निर्माण और स्तंभा के कार्यकारी का शपथ ग्रहण समारोह खुशबू पहाड़िया। खुशबू पहाड़िया यदि यहाँ पर है तो मंच पर आए, और यदि उनके परिवारजन उनके पास से बैठे हैं तो उनको मोटिवेट। मुझे यार, अरे ये तो याद ही नहीं आता यार। तो प्रत्येक समाज युवक युवती परिचय सम्मेलन में उपस्थित सभी समाज बंधुओं एवं सम्मानित मंच हमारे बीच पधार चुके हैं, और इनके साथ माननीय श्री मनोज राजौरिया जी, सांसद करौली धौलपुर राजस्थान, सभी से तालियों से। यहाँ पर ना आपको मैं एक सीक्रेट भी बता दूं कि जो नेक्स्ट जो क्लिप आने वाली है ना वो मेरी ननद की है, वो उसने भी अपना परिचय स्टेज पे दिया था। हम बात करते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, आइएगा आइएगा। सबसे पहले तो एक बार इतनी जोरदार तालियां प्लीज बजा दीजिएगा। आप मुझे अपना नाम बताएं। सुरभि बागड़ी। सुरभि बागड़ी। आपके पिताजी का नाम? ओम प्रकाश बागड़ी। आपकी माताजी का नाम? कमलेश बागड़ी। और आपके पिताजी का गुरु? बागड़ी। और माताजी का? अमरिया। आप क्या करती हैं? मैं एक प्राइवेट स्कूल में प्रिंसिपल के रूप में काम करती हूं। आपकी एजुकेशन? मैं एमए किया है मैंने। और आपकी उम्र? 26। आप मैं वर्तमान। और फाइनली ओम बिरला जी हैं, उनको वो आगे थे तो उनका जो वेलकम हो रहा था, और आज एक साथ इतने सारे मतलब मिनिस्टर्स से मिले हैं, उनको करेंगे वेलकम करेंगे, इतना मैंने सोचा नहीं था।
मैं बस ये सोच के आई थी कि परिचय सम्मेलन कैसा होता है, अब वो देख के आएंगे। सभी से खड़े होकर सभी जोरदार तालियां बजाकर उनका स्वागत करें, सम्मान करें। आज के हमारे सम्मान्य मुख्य अतिथि माननीय लोकसभा अध्यक्ष आदरणीय श्री ओम जी बिरला जी, आपका हार्दिक स्वागत, आपका अभिनंदन। साथ में हमारे बीच में यहाँ पर है माननीय सांसद, वो अपनी सेना लेकर के खेलो, वो टूट पड़ा है खेलो। उस समय की सरकार जो अंग्रेज थी उन्होंने भी नहीं की, गांधी जी आए, गांधी जी को उन्होंने कहा कि जब हिंदू समाज के पक्का का क्या हो रहा था तो कहां थे, अब किस बात के लिए रोकने आए हो? ये जब तक मेरे हिंदू समाज के लोगों के साथ जाति होती रहेगी। अभी पूरा फंक्शन भी कंप्लीट नहीं हुआ था, बट दीदी को ना वापस जयपुर जाना है और जो जिया जी हैं वो आ चुके थे तो उनकी ट्रेन भी मिस हो जाएगी, इसलिए हम फटाफट से घर जा रहे हैं फंक्शन को आधा छोड़ के। आगे छोड़ गए, फिर जो कांच लगा दे। हाँ लगा दिया।